तो गाइस अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अच्छे से देख लेना तो आपका भी जो रिकॉइल है बिल्कुल भी जीरो होने वाला है। आप लोग ये लेजर स्प्रे कर पाओगे हर एक स्कोप के साथ, हर एक गन के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट अच्छे से देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी सेंसेशन का मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया सब कुछ मैं आप लोगों के लिए जो है हर एक स्पोर्ट्स कम्पिटेटिव प्लेयर जो भी खेलते हैं ना उनका सबसे बेस्ट सेंसेशन ये देखा है, उसके बाद अपने लिए बेस्ट सेंसेशन बनाया और उसी के साथ आप लोगों के लिए बेस्ट सेंसेशन का वीडियो ला के दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो हर एक स्कोप के साथ हर एक गन के साथ का बहुत अच्छे से जीरो रिकॉल वाला स्प्रे मार पाओगे और हर एक मोबाइल में आप लोग बहुत अच्छे से स्प्रे मार पाओगे। और इन गेम मैचेस में भी आप देख सकते हो मेरा जो स्प्रे है कितना अच्छे से जा रहा है, जीरो रिकॉल वाला स्प्रे जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका भी ऐसा ही जीरो रिकॉल वाला स्प्रे होने वाला इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखने के बाद। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए क्लोज रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज सबके लिए बेस्ट सेंसरिंग बताया और कंट्रोल्स भी बताया और आपको क्या सेटिंग रखना है, क्या सेटिंग नहीं रखना है, जिससे आपका ग्राफिक्स अच्छा हो जाए, जिससे आपका कंट्रोल अच्छा हो जाए, जिससे आपका जो लैग वगैरह बिल्कुल ना हो, सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट अच्छे से देखें और क्लोज रेंज के लिए बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया आप लोग के लिए, जिससे क्लोज रेंज में आपका इंप्रूव हो जाएगा। और आप लोग देख ही सकते हो मेरे जो स्प्रे कितना अच्छे से जा रहा है, कितना एक्यूरेट स्प्रे जा रहा है, हर बार हेड शॉट लग पा रहा है, हर बार अच्छे से हर एक एनिमी को मैं मार पा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि वीडियो को स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा मेरा जो स्प्रे है वो बहुत ही अच्छे से जा रहा था, मेरा जीरो रिकॉल वाला स्प्रे जा रहा था। आपको भी कैसे जीरो रिकॉल वाला स्प्रे करना है सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अच्छे से देखें। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखो अगर आप लोगों आपके गेम प्ले का सब कुछ पूरा एकदम सही से इंप्रूव करना है तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक है आपका जो है कंट्रोल्स एंड सेटिंग्स और उसके बाद जो आता है वो है आता है आपको सेंसरी सेटिंग्स, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान से सही से सेट करना, जिससे आपका गेम प्ले में पूरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, जिससे आपका गेम प्ले फास्ट भी होगा, जिससे आपका जो है रिकॉल वगैरह भी कंट्रोल में आ जाएगा और आपका लैग वगैरह भी बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या है वो सेटिंग्स सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो को गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो चीज़ आता है दो चीज़ बोलता है कंट्रोल सेंसरिंग, उसके बाद आप लोगों को सेंसरिंग भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले आपको जो है सेटिंग में चला जाना, जाने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मेरा जो कंट्रोल्स कैसा है, जिसमें मतलब पूरा जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स कैसे अपना जो कंट्रोल्स है वो रखते हैं। तो सबसे पहले देखो कंट्रोल्स में बेसिक कंट्रोल आपको दिखाने वाला हूँ। देखो बेसिक कंट्रोल मेरा कुछ इस टाइप का है, आप लोग देख लो, आपका अगर कोई भी गलत होगा तो उसको आप लोग इस वीडियो को देख के सही कर लेना, ठीक है। तो बेसिक कंट्रोल आपको दिखा दिया, उसके बाद आपको दिखाता हूँ एडवांस कंट्रोल। तो एडवांस कंट्रोल आप लोग मेरा वाला चेक कर सकते हो पूरा, एडवांस कंट्रोल में हर एक जो सेटिंग्स पे आप लोग देख सकते हो, ध्यान से पूरा देख लो, जो आपको अगर कुछ गलत होगा तो आपको सही कर लेना, ठीक है। तो उसके साथ आपको ए मैसेज देख सकते हो मेरा जो वो है डिसेबल है, मैं ए मैसेज को ऑफ करके खेलता हूँ, ठीक है। ए मैसेज आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, बट मैं ए मैसेज को ज़्यादातर टाइम जो है बंद ही रखता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ मेरा जो है जायरो की जो है ऑलवेज जीरो पे खेलता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑलवेज जीरो पे मेरा यहाँ पे ऑन है, तो ऑलवेज जीरो यहाँ पे सेटिंग जो ऑन है आप लोग देख सकते हो। तो मैंने आपको पूरा सेटिंग तो बता दिया, अभी मैं आप लोगों को देखो ग्राफिक्स एंड ऑडियो दिखाता हूँ। तो ग्राफिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो काफ़ी सारे प्लेयर जो है ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए उनका जो मोबाइल है या फिर गेम प्ले है वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो ग्राफिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो आपका क्या होता है, ग्राफिक्स में आपको स्मूथ रखना है और उसके साथ साथ जो एक्सट्रीम पर रखना है, इस दो सेंसी को मतलब दो सेटिंग पर रखना है, जिससे आपका क्या होगा कि आपका गेम प्ले है जो है वो लैग एकदम से नहीं होगा, ठीक है ना। आपका अगर डिवाइस थोड़ा सा मतलब 2GB या फिर 4GB वाला डिवाइस भी है या फिर 6GB वाला डिवाइस भी है तो लैग आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को ऐसे सेट कर लेना है। और उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसमें आप लोग देखो मेरा यहाँ पर क्लोज है, बट अगर इसको आप लोग 2x रखते हो ना, ट्वीक से रख के अगर आपको इसको सेव कर दे ओके करके, तो क्या हुआ कि आपका जो फ्रेम रेट्स है वो वगैरह वो है आपका बहुत अच्छे से चलेगा और आपका जो इमेज का जो क्वालिटी है गेम प्ले में, गेम प्ले का जो इमेज का क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आपका जो है ना लैग वगैरह भी कम होगा। बट इससे एक जो डिसएडवांटेज क्या है कि आपका जो बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है ना। अगर आपका मोबाइल में बैटरी सही से चलता है तो फिर इसको आप लोग 2x पे रख सकते हो, और 4x जो है होता नहीं है, कमिंग सून दिखा रहा है, तो इसको 2x पे आप लोग रख सकते हो। और अगर आपका बैटरी वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम तक चार्ज नहीं रहता है, ठीक है, तो आप लोग इसको क्लोज पे ही रख सकते हो, क्लोज पे रखने में भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो है ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि तो फिर आपका जो गेम प्ले में जो दूर की चीज़ है वो अच्छे से विजिबल होगी, अच्छे से दिखेगी। बट मैं यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि मैं ब्राइटनेस मोबाइल का भी ज़्यादा बढ़ा के रखता हूँ, खेलता हूँ जब भी खेलता हूँ, तो इसलिए मैं इसको 115 तक रखता हूँ। तो इसको आप लोग ऐसा रख सकते हो। उसके बाद आप लोग इफेक्ट दिखा दो, इफेक्ट्स क्या रखना है आपको, इफेक्ट्स आपके जो मर्जी वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे जो है ग्रीन कलर रखता हूँ। और उसके बाद ऑडियो, ऑडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका फुट प्रिंट वगैरह अच्छे से साउंड में कान में आना चाहिए साउंड, तो इसके लिए क्या करना है आपको जो है म्यूज़िक को कम रखना है और एसएफएक्स को ज़्यादा रखना है, ठीक है। और अगर आप लोग एचडी में खेलते हो ग्राफिक्स को, तो फिर आप लोग जो एचडीआर जो अल्ट्रा एचडी जो साउंड है इसको आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। बट एचडी में खेलने से क्या होता है थोड़ा सा लैग ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर टाइम। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ जो है कंट्रोल्स। तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स बटन में जो कंट्रोल्स है, मैं मेरा वाला जो मैं थर्ड लेआउट वाला खेलता हूँ,
काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं फर्स्ट लेवल पर खेलते हैं। फर्स्ट लेवल पर भी मैं खेलता था तो उसका भी मैं कंट्रोल सबको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट लेवल पर जो भी बंदे खेलते हैं उनका जो कंट्रोल्स ऐसा आप लोग चाहो तो मेरा वाला रख सकते हो। मेरा यहाँ पे जो फोर फिंगर और फाइव फिंगर का कंट्रोल्स है चाहो तो इसको भी आप लोग यूज़ करते हो। थ्री फिंगर वाले भी इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी कंट्रोल्स है। इस कंट्रोल्स को भी मैंने ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल प्लेयर्स को देखते हुए बनाया था, जो बहुत ही अच्छा कंट्रोल्स है। चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बैक चलते हैं। तो बैक चलने के बाद मेरा जो अभी जो कंट्रोल्स को मैं यूज़ करता हूँ थर्ड लेवल वाला उसको भी दिखा देता हूँ। तो सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है कुछ भी, ठीक है। बट इसमें क्या एडवांटेज क्या है कि जॉयस्टिक के राइट लेफ्ट मतलब जॉयस्टिक फोन थोड़ा सा मुझे लगता है फास्ट मतलब मूवमेंट करता है, फास्ट रिएक्ट करता है इस थर्ड लेवल पे, ठीक है ना। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप जॉयस्टिक के बाहर इधर उधर टच करोगे ना जब भी गेम प्ले में, तो अगर आपको मतलब जॉयस्टिक के बाहर टच कर लिए तो फिर आपका क्या गेम प्ले पूरा घूम जाएगा, मतलब इधर उधर घूम जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जॉयस्टिक में ही उंगली रख के टच करना होता है, जिससे आपका पूरा गेम प्ले फास्ट काम करता है। तो थर्ड लेवल जो भी खेलते हैं वो इस कंट्रोल्स को सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो थ्री फिंगर फोर फिंगर और फाइव फिंगर और सिक्स फिंगर प्लेयर्स भी इस कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजी से, थोड़ा बहुत इधर उधर कस्टमाइज करके, ठीक है। इसको भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो देखो 50% काम तो हमारा बन गया, जिससे आपका जो पूरा गेम प्ले वगैरह सही हो जाएगा, आपका ग्राफिक्स वगैरह सही हो जाएगा, जिससे आपका लैग वगैरह बिल्कुल नहीं होगा और आपका जो पूरा सेटअप वगैरह सही होगा। और अभी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो होता है आपका सेंसर रीजनिंग, जिसको आपको सही करना है, जिससे आपका पूरा गेम प्ले सही हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे आपका स्प्रे वगैरह सही हो जाएगा, आपका हेडशॉट वगैरह सही से लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी सेंसर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप चाहो तो इधर पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको सेंसर भी कोड भी प्रोवाइड करूँगा वीडियो के लास्ट में, वो आप लोग देखो पूरा वीडियो को अच्छे से, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर आप चाहो तो इधर पे भी ऐड कर सकते हो मेरा मैं जो सेंसर आप लोग देने वाला हूँ अभी, और नहीं तो आप लोग पूरा इंपोर्ट सिस्टम गन का पूरा अलग से सेंसरिंग को भी ऐड कर सकते हो। कैसे आप लोग देखो, सबसे ऊपर देखने वाला एडवांस सेटिंग, तो एडवांस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एआर में देखो सबसे पहले इंपोर्ट सेटिंग गन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इंपोर्ट करने पे नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या करना है, आपको ऐड वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट गन इधर पे आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। मैं मान लीजिए ये वाला गन आपका सिलेक्ट है, इसको आप लोग ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऐड होके आ चुका है सबसे पहले, ठीक है, मतलब सबसे लास्ट में इधर पे, ठीक है। और अगर आपका ऐड है पहले से तो यहाँ पे सबसे पहले दिख जाएगा इंपोर्ट गन, ठीक है। तो इंपोर्ट गन में मैं चला जाता हूँ, पूरा सेंसर आपको दिखाता हूँ अभी। देखो सबसे पहले बताता हूँ मैं जो सेंसर सीरिंग यूज़ करता हूँ, मैं ऑलवेज जीरो पे खेलता हूँ, तो ऑलवेज जीरो की सेंसर सीरिंग आपको बताने वाला इस वीडियो में, और बहुत ही मज़ेदार सेंसर सीरिंग होने वाली, जिससे आपका रिकॉल बिल्कुल जीरो मतलब होने वाला है, ठीक है ना। और मतलब पूरा कंपेटिटिव स्पोर्ट्स प्लेयर्स का सेंसर सीरिंग बताने वाला आप लोगों को, क्योंकि मैंने इस सेंसर सीरिंग को बनाने से पहले काफ़ी सारे मतलब कंपेटिटिव स्पोर्ट्स प्लेयर्स का सेंसर सीरिंग ने देखा है, उसके बाद मेरा अपना खुद का बेस्ट सेंसर सीरिंग बनाया है, तो वो सेंसर चाहिए आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है कैमरा सेंसर, तो कैमरा सेंसर में आपको दिखाता हूँ। देखो कैमरा सेंसर आप लोग एक बार देख लो पूरा अच्छे से मेरा, तो आपको पूरा कॉपी नहीं करना है मेरा कैमरा सेंसर, क्योंकि कैमरा सेंसर अगर मेरा वाला कॉपी कर लोगे थोड़ा सा आपका गेम प्ले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, जिसके वजह से आप लोग दो तीन दिन आपका गेम प्ले थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद सही हो जाएगा उसके बाद, बट आपको कैमरा सेंसर कॉपी नहीं करना, कैमरा सेंसर का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता इसलिए, ठीक है। तो कैमरा सेंसर में अगर आपका कोई भी स्कोप में प्रॉब्लम होता है, उस स्कोप का सेंसर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो मेरा वाला, ठीक है। तो कैमरा सेंसी हो गया, अभी आपको दिखाता हूँ एडीएस सेंसी। तो एडीएस सेंसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने वाला हूँ, जो आपको काफ़ी सारे प्लेयर्स बताते नहीं है, क्या है वो चीज़ बता देता हूँ। देखो सबसे पहले देखो एडीएस सेंसी में सबसे पहले ऊपर क्या आता है, थर्ड पर्सन नोस्कोप एंड फर्स्ट पर्सन नोस्कोप, थर्ड पर्सन नोस्कोप एंड फर्स्ट पर्सन नोस्कोप मेरा जो सेंसी आप लोग देख सकते हो, चाहो तो यूज़ कर सकते हो मेरा वाला, बट अगर आपका ऐसा नहीं है थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो उसका भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन सेंसी जो है वो नीचे आएगा, वो बताऊँगा अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको देखने मिलता है एडीएस सेंसी में, कि देखो यहाँ पे TPP APP रेड डॉट 2x 3x 4x 6x सभी का जो स्कोप का जो सेंसी है मेरा पे 1% पे रखा हुआ है। क्यों 1% में मैं रखा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ऑलवेज जीरो पे खेलते हो, अगर आप लोग ऑलवेज जीरो पे खेलते हो तो फिर अगर आपका मान लीजिए 4x के साथ आप लोग स्प्रे कर रहे हो ऑलवेज जीरो पे, अगर आपका ये वाला सेंसी ज़्यादा होगा तो फिर अगर आप लोग स्प्रे करने के टाइम उंगली अगर इधर उधर स्क्रीन पे कहीं भी टच हो गया ना आपका 4x स्कोप का चलाने के टाइम, तो फिर क्या होगा कि आपका जो पूरा स्प्रे है वो बिगड़ जाएगा, राइट लिप चला जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। इसलिए जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स क्या करते हैं, इस सेंसिटिविटी को जितना हो सके कम रखते हैं, मतलब एकदम 1% रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसलिए जो है इसका क्या होता है कि अगर आप लोग ऑलवेज जीरो पे खेलते हो, अगर इसको कम रखते हो तो आपका कोई भी इशू नहीं होगा आपके गेम प्ले में, उस उल्टा और अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जितना हो सके कम रखो, ठीक है ना। अगर आप लोग ऑलवेज जीरो पे नहीं खेलते हो, अगर आप लोग मतलब जो है जायरो ऑफ करके खेलते हो, ठीक है ना, नॉन जीरो प्लेयर हो, तो फिर आपको इस सेंसर सेटिंग को कस्टमाइज़ करना होगा, तो फिर आपको लोगों के लिए वही
ये वाला सेंस ही मेन इंपॉर्टेंट सेंस ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो ओल्ड बेस जरो पे खेलते हैं उन लोगों के लिए ये वाला सेंस ही कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको जितना हो सके कम रखो, ज़्यादा रखोगे तो आपका स्प्रे खुद ही गड़बड़ा जाएगा, प्रॉब्लम होगा। इसको कम रख के देखो आपका गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आता है मेन इंपॉर्टेंट सेंस ही, वो होता है जायरो, और मतलब जायरो सेंसी, ठीक है। तो जायरो सेंसी में सबसे पहले आपको दिखाया था थर्ड पर्सन नोज को 400 है मेरा, और फर्स्ट पर्सन नोज को 235 है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन नोज को क्या काम है आपको बता देता हूँ। देखो टीवीपी में जो खेलते हैं ना, तो उसके लिए थर्ड पर्सन नोस्कोप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एपीपी में खेलते हैं उनके लिए फर्स्ट पर्सन नोस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं टीवीपी में खेलते हैं, तो टीवी में जो भी खेलते हैं ना उनके लिए थर्ड पर्सन नोस्कोप इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो थर्ड पर्सन नोस्कोप का क्या काम है, अगर आप लोग मतलब क्लोज रेंज फाइट ले रहे हो, क्रॉस एयर के साथ फाइट ले रहे हो, तो फिर राइट लेफ्ट जब भी आपका स्कोप को मूवमेंट करोगे तो आपका जो है थर्ड पर्सन नो स्कोप का जो सेंस है वो काम में आएगा। तो इसको जितना हो सके हाई रखो, हाई रखने से क्या होगा आपका जो क्रॉस एयर है वो ज़्यादा राइट लेफ्ट फास्ट मूव करेगा, जिससे आपका हेड शॉट वगैरह मारने में, ठीक है ना, फास्ट मूवमेंट करने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो ज़्यादा अगर इसको हाई रखोगे तो आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, एक दिन में प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, एक हफ्ता प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जायरो सेंसी में आपको देखो बाकी स्कोप का सेंसी भी दिखाया था, आप लोग देख सकते हो। स्कोप का सेंसी में जो मेरा रेड डॉट है, मतलब रेड डॉट होलो है, वो मेरा 400 रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि मतलब स्कोप ऑन करके, मतलब रेड डॉट ऑन करके या फिर होलो ऑन करके राइट लेफ्ट करने में बहुत फास्ट होता है। इसलिए क्या होता है कि बहुत फास्ट आप लोग क्लोज रेंज में या फिर मिड रेंज में फाइट बहुत अच्छे से ले सकते हो। 2x भी मेरा 400 है, जिससे मेरा बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है इससे, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना ज़्यादा हाई कंट्रोल नहीं कर पाओगे आपका, फिर आपका मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा लैग हो जाएगा, तो फिर इसको आप लोग हो सकता है 10-15% कम रखो, ठीक है ना। बट जितना हाई रखोगे उतना ही आपके लिए एडवांटेज होगा, जितना ही आप लोग जो है फास्ट मूवमेंट कर पाओगे, ठीक है, स्कोप को, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लो पूरा सेंसी को। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सेंसी आता है वो होता है ADS जायरो की सेंसी, जो ऑलवेज जीरो प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट सेंसी है, जिससे आपका रिकॉयल वगैरह कंट्रोल होगा, जिससे आपका स्कोप वगैरह बहुत ही मतलब एकदम एक्यूरेट जाएगा, ठीक है, लेजर स्प्रे होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले क्या आता है, जायरो सेंसी में आता है थर्ड पर्सन नोस्कोप एंड फर्स्ट पर्सन नोस्कोप। तो थर्ड पर्सन नोस्कोप का काम होता है टीपीपी का, और फर्स्ट पर्सन नोस्कोप का काम होता है एपीपी का। तो जो भी एपीपी में खेलते हैं तो वो एपीपी का सेंसी को ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखें, और जो टीपीपी में खेलते हैं वो टीपीपी का सेंसी को ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखें। तो जो टीपीपी में खेलते हैं उसके लिए थर्ड पर्सन नोस्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोज रेंज फाइट के लिए। जब भी आप क्लोज रेंज फाइट में क्रॉसर को राइट क्लिक करते हो, मतलब गोली चलाते हो ना, तो आपका जो है थर्ड पर्सन नोस्कोप का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन नोस्कोप अगर आपका बहुत कम रहेगा ना, तो फिर आपका जो क्रॉस एयर है वो बहुत ही स्लो मूव करेगा, और जितना हाई रहेगा उतना ही क्रॉस एयर आपका जो है हाई मूव करेगा, मतलब फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो इसको जितना हो सके आपको हाई रखना है, इससे क्या होगा आपका क्रॉस एयर राइट लेफ्ट ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, और गोली भी चलाओगे तो बहुत ही एक्यूरेट जाएगा आपका गोली, हेड पे लगेगा या फिर हिप फायर बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। तो इसको जितना हो सके आप लोग हाई रखो, और हाई रखने के बाद प्रैक्टिस भी करो। मेरा पूरा सेंसी को कॉपी बिल्कुल भी मत करो, जिस भी स्कोप में आपका प्रॉब्लम होगा उस सेंसी को आप मेरा वाला यूज़ करो। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद आपका गेम प्ले बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आता है मेन इंपॉर्टेंट सेंसी, वो होता है ऑलवेज जीरो के लिए हर एक स्कोप का सेंसी। तो स्कोप का सेंसी आप लोग देख सकते हो मेरा वाला क्या है, मैं जो स्कोप का सेंसी यूज़ करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, रेड डॉट स्कोप, रेड डॉट होलो, रेड डॉट में मैं इसको 400 रखता हूँ, जिससे मेरा राइट लेफ्ट भी फास्ट होता है, और गोली भी राइट लेफ्ट जब मैं चलाता हूँ बहुत ही फास्ट और एक्यूरेटी के साथ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ना, स्नैक भैया ने एक ड्रिल्स दिखाया ना आप लोगों के लिए चैलेंज का, ठीक है, ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाया था ना, उससे क्या होगा वो जो ड्रिल्स था ना, जितना आपका सेंसी मतलब रेड डॉट का हाई रहेगा ना, उतना ही आप लोग उस ड्रिल्स को बहुत फास्ट कंप्लीट कर पाओगे। देखो स्नैक भाई ने 27 सेकंड में या फिर 30 सेकंड में कंप्लीट किया था ना वो ड्रिल्स को, और काफ़ी बंदे और भी थे जो कंप्लीट किए थे, तो उनका जो सेंसी था ना रेड डॉट का और होलो का, वो क्या था, ज़्यादातर बंदे का 400 पे था। 400 पे रहने पर एक जो नेगेटिव क्या होता है कि आप लोग इसको कंट्रोल प्रैक्टिस करने के बाद कर पाओगे अच्छे से। अगर आप लोग प्रैक्टिस ना करके 400 एकदम रख दोगे ना, तो हो सकता है आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओ 2-3 दिन, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे उसके बाद उसका आपका आदत बन जाएगा, और उसको आप लोग आराम से कंट्रोल कर पाओगे, और जो आपका डिवाइस भी अगर अच्छा होगा और नेटवर्क भी अगर अच्छा होगा, तो फिर तो और अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसको जो है जितना हो सके रेड डॉट को हाई रखना है, जिससे आप लोग मतलब एम ट्रांसफर वगैरह, स्प्रे ट्रांसफर वगैरह बहुत अच्छे कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो आता है 2x सेंसी, 2x को भी सेंसी आप लोग देखो मेरे पास 400 है, तो 2x को भी आपको जाकर ज़्यादा फास्ट रिएक्ट मतलब राइट लिप करना है, स्प्रे ट्रांसफर वगैरह करना है, तो इसको भी 400 रख सकते हो। और जो 3x का स्कोप है, मैं पे 300 रखता हूं, तो 3x स्कोप में मेरा आपका सेंसी सबसे पहले आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में देख ही चुका है कि मेरा जो रिकॉल है बिल्कुल जीरो हो रहा था, तो 3x सेंसी में भी मेरा ऐसा ही है। और 4x सेंसी 280, इसको भी आप लोग देख सकते हो। और 6x के सेंसी
100 तक, ठीक है। तो सिक्सेस की सेंसिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नॉर्मली सिक्सेस को यूज़ करने के बाद थोड़ा सा जो रिकॉयल होता है, इसे इसको कम रखना है, और कम रखने के बाद इसको प्रैक्टिस भी करना है जिससे आपका रिकॉयल बिल्कुल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दिया पूरा मेरा जो सेंसिंग कैसा है, आप लोगों को पूरा सेंसिंग को मेरा वाला कॉपी नहीं करना, जिस भी स्कोप में आपका प्रॉब्लम रहेगा उस स्कोप का सेंसिंग मेरा वाला यूज़ कर सकते हो, और 10-5% कम ज़्यादा करके आप लोग यूज़ करना, तो फिर क्या होगा कि आपका जो है आपके डिवाइस के हिसाब से, अपने मोबाइल के हिसाब से अच्छा बेस्ट सेंसिंग बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद तो लाइक करके मेरे से, थैंक यू सो मच। और अभी आप लोगों मैं कोड भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे बंदे कोड बोलते हैं कोड दे दो, तो मैं आपको कोड भी दे देता हूँ। तो देखो कोड मेरा आप लोग एक बार देख लो अच्छे से, यहाँ पे 5 फिंगर में कोड दिखा देता हूँ, 4 फिंगर का कोड भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कोड मिलने के बाद कोड को अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है आपके अपने मोबाइल अपने गेम पे, आपको क्या करना है, आपको कोड लेना है। कोड लेने के बाद पूरा सेम टू सेम कॉपी करना है कोड को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ना आतिशकाश जैसा जो आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो मेरा वाला कोड है यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना, ठीक है। ऐसे करके पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे जो इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे करके आप लोग कोड को जो यूज़ कर सकते हो, बट आपको मैं प्रीफर करता हूँ कोड का यूज़ मत करिएगा, जिस भी स्कोप में आपका प्रॉब्लम होगा उस स्कोप का सेंसिंग को मेरा वाला चाहिए तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को पूरा सेंसिंग सेटिंग आपको अच्छे से डिटेल में कंप्लीट दिखा दिया, बता दिया कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको नहीं यूज़ करना है। तो वीडियो पसंद तो लाइक करके मेरे को शेयर, थैंक यू सो मच। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में जाके पूछ सकते हो, और भी वीडियो बना के और भी आपका जो प्रॉब्लम रहेगा सबका सोल्यूशन मैं करके देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज वीडियो पसंद तो लाइक करके मेरे को शेयर, थैंक यू सो मच। और इसी टिप्स और ड्रेस और सेंसिंग वाले वीडियो देखना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके, थैंक यू सो मच।